नमस्कार, आज आम आँचीचु खोर्धार गड़माणित्री माँ रामचंडी मंदिर रे। भव्य दृश्य एठी आप भोग किणीपर पहाड़ उपरे माँ रामचंडी विराजमान कर मंदिर इतिहास विषय कहले त्रेतया युगर प्रभु श्री राम जत 14 वर्ष वनवास जाते ये भाई लक्ष्मण एवं माता सीता कि समय काटि बनदुर्ग रूप से रामचंडी पूजा पाते प्रभु राम एवं पूजा करूवा पूजारी ना थिला चंडी से बनदुर्गा ना चेंज होगा परिवर्तन हो गला रामचंडी रखाला आपने पहाचरे सिंह सब देखी आश्चर्य हो जाए यह सब सिंह जाचणा सिंह बा मानसिक सिंह जार मानसिक पूरण हो जाने सिंह दान कर सब सिंह को पहाचरे रखाई आपने जो बलद और बाघ देखुं आर एक कहानी अच्छी कहानीटी है पूजक बलद को माँ का बाघ खाई आउ पूजक अभिमान करी माँ को पूजा पूजी बंद कर एवं माँ का पाखक आसवा बंद कर यही अभिमान को देख माँ ताकु स्वप्नादेश कर पूजारी की तू पटे बलद तोर जो बंची ताकु नहीं तू बिल को जा एवं बिल मुंडारे तू जहाँ को देखु ताकु जोचिकी तू हल करू चाष कार्य करू से जिते बड़े बलद को लेकिन जाइए से देखा बेलू गोटे बाघ टीए सोई से बाघ को सी जोचिकी हल कर विराटकाय शिरा स्तंभ रे माँ रामचंडी विराजमान कर शिलार रोचक कहानी अच्छी जितेबले माँ एटी विराजमान करते से आस्ते आस्ते ही शिला बढ़ाक लगी देखि दिं आग माँ रामचंडी प्रत्यक्ष दर्शन करूँ शिला जिते बढ़ी बढ़ी लगी पूजारी से तार आउ हाथ पाइलानी से कहला माँ तू एत बढ़नी मोर हाथ पाऊनी मुझ तुमको पूजा करें बढ़िले तार दिन पुणी सेमती शिला बढ़ीला से ही कारण पूजारी जनक रागिक माँ को एक चापुड़ा टे मारे से शिलाटी रहीगला और पाखे कईया गछ से छोट हो रहीगला आज पर्यंत है शिला बढ़ी कि कईया गछ भी बढ़ी ना देखते ये मानसिक करने बहुत गुड़े सालु एवं ये सब कपड़ा बंधा जा परिवेश बहुत शांत यपटे गोटे बाघ गुंफा अच्छी जोटि बाघ से रोला एवं से सब भांगीगला आपण आसिक बुली पारे बहुत बढ़िया जगह ये भोजी भी हुए बहुत सारा भोजी करती आम तले देखा पाए बहुत लोग आसिक भोजी करती एथर फेरी जावा घर को से बाटे फेर कि असुविधा ना बाट सारा सिंह सब मानसिक सिंह शेषे माँ को दर्शन करूँ एथर फेरी जावा घर नमस्कार जय जगन्नाथ।